हेलो दोस्तों, आज हम टॉप 20 थ्रिलर मूवीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी हिंदी में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इन मूवीज़ के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये मूवी देखने के लिए इन मूवीज़ के मैं आपको यूट्यूब लिंक भी दूंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ मूवीज़ को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आप मूवीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है लेफ्ट बिहाइंड। ये मूवी 2014 में आई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 3.1 है। ये एक एक्शन साइफाई थ्रिलर फैंटेसी मूवी है जिसमें आपको निकोलस केज दिखेंगे। ये कहानी एक ऐसे दुनिया की जहां लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और इसी सिचुएशन में निकोलस केज अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। मूवी ज़्यादा लोगों को पसंद तो नहीं है, फिर भी आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 19 पे है गहना वेयर डेथ लिव्स। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5 है। ये कहानी कुछ लोगों की है जो अपना एक रिजॉर्ट बनाने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और जब उन्हें अपने रिजॉर्ट का एक परफेक्ट जगह मिल जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उस जगह में एक छिपा हुआ बंकर है और उस बंकर में जाने के बाद क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी 2016 में आई थी और आप इसे यूट्यूब पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 18 पे है हाउल। ये एक फैंटेसी हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। इस कहानी में एक हिरन का एक ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है और जब कुछ लोग हिरन को देखने जाते हैं तो जंगल में से एक ऐसा चीज निकलता है जिसे सबके होश उड़ जाते हैं और वो चीज क्या है ये जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी 2015 में आई थी जिसे आप यूट्यूब पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 17 पे है द ममी। ये एक हॉरर एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। ये मूवी पहली आई मूवी सीरीज द ममी का रिबूट वर्जन है और इस मूवी में आपको टॉम क्रूज लीड रोल में दिखेंगे। ये मूवी काफी डरावनी और काफी थ्रिलिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी जिसे आप यूट्यूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 16 पे है द हंट्समैन विंटर वॉर। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है। ये मूवी स्नो वाइट एंड द हंट्समैन जो 2012 में रिलीज हुई थी उसका सेकंड पार्ट है और इस मूवी में लीड रोल में क्रिस हेम्सवर्थ और उनके साथ कई एक्टर दिखेंगे। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और काफी लोगों द्वारा पसंद की गई थी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। नंबर 15 पे है द लास्ट स्टैंड। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। ये कहानी एक पुलिस वाले की है जो एक छोटे से टाउन में खुशहाल जीवन बिता रहा होता है लेकिन फिर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जो एफबीआई से भाग रहा होता है वो उसके टाउन में आ जाता है। अब इन दोनों की कहानी आपस में कैसे कंबाइन होती है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा और ये मूवी 2013 में आई थी जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 14 पे है एक्ट ऑफ वेलोर। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। ये कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जब अमेरिका को पता चला था कि उन पे एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है, फिर वो एक सर्जिकल टीम भेजते हैं जो उन टेररिस्ट को ढूंढ सके और उन्हें खत्म कर सके। ये मूवी एक्शन से भरी हुई है और अगर आपको वार मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 13 पे है नाउ यू सी मी 2। ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। ये मूवी नाउ यू सी मी का सेकंड पार्ट है जो 2013 में आया था। मूवी चार मैजिशियन के ऊपर बेस्ड है जो लोगों का पैसा चुरा के गायब हो जाते हैं। ये मूवी काफी लोगों द्वारा पसंद की गई है और आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को आप यूट्यूब पर फ्री में हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 12 पे है रेड स्पैरो। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। कहानी एक लड़की की है जो थिएटर में डांस करती है और उसी पैसों से अपना घर चलाती है, मगर उसके पैरों में चोट लगने के कारण उसे थिएटर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद अपने घर चलाने के लिए वो एक खुफिया एजेंसी ज्वाइन कर लेती है और एक जासूस बन जाती है। ये कहानी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है जो आपको जरूर पसंद आएगी और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को आप यूट्यूब पे फ्री में हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 11 पे है द इक्वलाइजर 2। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। ये मूवी 2014 में आई मूवी द इक्वलाइजर का सेकंड पार्ट है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दिखने में तो बहुत ही नॉर्मल लगता है लेकिन दुनिया से बचा के शहर के क्रिमिनल्स को वो सबक सिखाता है। इस इंसान को पुलिस भी ढूंढ रहे हैं और बड़े बड़े गैंगस्टर भी ढूंढ रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस मूवी में एक्शन कितना जबरदस्त होगा और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में हिंदी में देख सकते हैं।
नंबर 10 पे है डाइवर्जेंट। ये एक एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। ये एक मूवी सीरीज है जिसमें टोटल 3 मूवीज हैं और तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कहानी फ्यूचर में बेस्ड है जब ह्यूमन रेस को 4 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चारों ग्रुप में से किसी एक को चूज करने का मौका दिया जाता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी लोगों को ये पसंद आई है। और इस मूवी का पहला पार्ट जो रूटा जिन 14 में रिलीज हुआ था उसे आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। नंबर 9 पे है अननोन। ये एक एक्शन मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो वैसे तो एक बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहा होता है लेकिन एक दिन उसे अपने ही आइडेंटिटी पे शक हो जाता है क्योंकि उसके आसपास के लोग कोई भी उसे पहचानने से मना कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे पहचानने से मना कर देती है। अब उसके साथ ऐसा क्यों होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी 2011 में आई थी जिसे आप यूट्यूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 8 पे है प्रोमेथियस और एलियन कोवेनेंट। ये एक साईफाई मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7 है। कुछ साइंटिस्ट दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में जाते हैं और उन्हें वहां एक बहुत ही पुराना दफन किया गया स्पेसशिप मिलता है। मूवी काफी डरावनी है तो इसे बच्चे ना ही देखे तो अच्छा होगा। और इन दोनों मूवी को आप यूट्यूब पे फ्री में हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 7 पे है जेनरेशन वुल्फ। ये एक थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। एक लड़का अपने घर में मारिजुआना का खेती करता है क्योंकि उसे अपने बाप के उधारों को चुकाना है और साथ साथ अपने परिवार को भी पालना है, लेकिन धीरे धीरे वो इस दलदल में घुसते चला जाता है और कई लोग उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। और आगे क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने बाद ही पता चलेगा। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसे आप यूट्यूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 6 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस 7। ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज के सातवीं मूवी है जो 2015 में रिलीज हुई थी। और अगर आप इस मूवी सीरीज से अनजान हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी में एक्शन और महंगी महंगी गाड़ियां जरूर देखने को मिलेंगी। मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत लोगों को ये मूवी पसंद आई है, तो ये आपको भी जरूर पसंद आनी चाहिए। और इस मूवी को आप यूट्यूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 5 पे है जॉन विक। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। इस मूवी सीरीज में टोटल 3 मूवीज हैं और इसकी तीसरी मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बाकी दोनों मूवी तो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली है, अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जॉन विक ऐसी एक मूवी है जिसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिखाई देगा और इस बात की तो गारंटी है कि ये मूवी देखने के बाद आप कियानो रीव्स के फैन हो जाएंगे। नंबर 4 पे है सोर्स कोड। ये एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। इस मूवी में एक इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान के दिमाग में डाल दिया जाता है ताकि एक एक्सीडेंट को होने से बचाया जा सके। मूवी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है और जेक गिलेनहॉल ने इस मूवी में बेहतरीन काम किया है। और इस मूवी को आप यूट्यूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 3 पे है द इमिटेशन गेम। ये मूवी एक वॉर ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8 है। कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें एक मैथमेटिशियन को एक मशीन बनाने का काम दिया जाता है जो मशीन एक कोड को क्रैक कर सके जिससे वॉर में हमला होने से पहले ही वो जान जाए कि अटैक होने वाली है। मूवी काफी थ्रिलिंग है और एंड में एक ऐसा सरप्राइज होता है जो आपको शॉक में डाल देगा, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। और ये मूवी 2014 में आई थी जिसे आप यूट्यूब पे हिंदी में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 2 पे है मोमेंटो। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। मैं इसके कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। बस इतना बता देता हूं कि गजनी मूवी इसी मूवी से इंस्पायर्ड है, तो अगर आप श्योर हैं कि आप कोई भी मूवी समझ सकते हैं तो ये मूवी जरूर देखिएगा। मूवी 2000 में रिलीज हुई थी जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 1 पे है द प्रेस्टीज। ये एक साईफाई मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। कहानी दो मैजिशियन की है जो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस मूवी को भी क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी भी सस्पेंस से भरपूर है। और इस मूवी का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 20 थ्रिलर मूवीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। और इन सारी मूवीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।